सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सुपर नॉलेज पॉइंट। तो गाइस हम लोग 10th की सीरीज का दमदार बैच लेकर आ गए हैं और उस दमदार बैच में हमने फिजिक्स और मैथ के कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड भी कर दिए। तो गाइस अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो गाइस ये हम लोग का पहला पार्ट है। तो गाइस इस पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। ओके गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि H2SO4, H3PO4, HCl। ऐसे कंपाउंड जो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम कंटेन करता हो उसे हम लोग एसिड कह सकते हैं। ओके गाइस, क्या कह सकते हैं, एसिड कह सकते हैं। कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, HCl में एक हाइड्रोजन का एटम है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और दूसरा हाइड्रोजन इसमें H2SO4 में दो हाइड्रोजन के एटम है और H3PO4 में तीन हाइड्रोजन के एटम है। तो ये ऐसे कंपाउंड है, इसे हम लोग एसिड कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन कंटेन करता है। और अगर हम लोग इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा गाइस, हाइड्रोनियम आयन। देखा गाइस, तो ये हो जाएगा Cl+H3O। ओके गाइस, तो ये वो बना लेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन कंटेन करता हो, और अगर हम लोग जब उसे वाटर में डिसॉल्व करें या वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या करे, वो हाइड्रोनियम आयन बना ले। ओके गाइस, एग्जांपल HCl, H2SO4 एंड H3PO4। अब हम लोग बात करते हैं बेसिस की। तो क्या हुआ, आप इसकी डिफिनेशन ले सकते, एकदम अच्छी ताजी डिफिनेशन है अभी नई। अब देखिए बेसिस क्या होते हैं, कंपाउंड विच आर मेटैलिक हाइड्रोक्साइड, मेटैलिक ऑक्साइड से नॉन मेटैलिक अमोनिया। फिर से एक बार पढ़िएगा, मेटैलिक ऑक्साइड, मेटैलिक हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटैलिक अमोनिया। देखिए ऐसे कंपाउंड हम लोग बेसिस तीन तरह के होते हैं, या तो मेटैलिक हाइड्रोक्साइड हो, या तो मेटैलिक ऑक्साइड हो, या तो नॉन मेटैलिक अमोनिया। तो देखिए जैसे आप एग्जाम्पल लिखा हुआ CuO, तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हम लोग का मेटैलिक ऑक्साइड हो गया, NaOH मेटैलिक हाइड्रोक्साइड हो गया, और यहाँ पे CuOH का होल का इसका हो जाएगा मेटैलिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और NaOH मेटैलिक हाइड्रोक्साइड है, CuO मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटैलिक अमोनिया की बात करें तो NH4OH। क्या गाइस, NH4OH। तो गाइस ऐसे कंपाउंड जो मेटैलिक ऑक्साइड मेटैलिक हाइड्रोक्साइड नॉन मेटैलिक अमोनिया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होता है, मान ली ये एसिड है, ये बेस है, ये हम लोग का एसिड, ये हम लोग का बेस, आपस में एक हमने कंटेनर मिला दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया। ओके गाइस, तो सॉल्ट की क्वेश्चन पूछी जाए तो फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब देखिए गाइस, सॉल्ट जैसे कि MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड और बहुत सारे होते हैं। तो गाइस मैं हर साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ में नोट्स बनाते रहनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे एसिड्स के बारे में डीप में। सो गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एसिड की। किसकी गाइस, एसिड की। एसिड हमने ये जाना था कि एसिड क्या होते हैं, जो
ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करता हो वन या वन से ज़्यादा, और जब उसे हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। उसके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब देखिए आप लोग इसके थोड़े से डीप में जाते हैं। दे कंपल्सरीली हैव हाइड्रोजन एटम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए कंपल्सरीली हैव हाइड्रोजन एटम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। देखिए गाइस, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब होता है जैसे H2SO4 और मैं HCl, H3PO4, क्या गाइस, H3PO4। तो जो ये क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है किसी भी कंपाउंड में, और ये होता है किस फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोटॉन के फॉर्म में होता है। अब अगर आगे देखें एसिड, आई होप आपको ये जो वीडियो है वो क्लियर दिख रहा होगा और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। ओके गाइस, अब देखिए ये जो एसिड है, इन अगर हम लोग उसे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है डिजॉल्व इन वाटर, वाटर का सॉल्यूशन। तो जब हम लोग एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, प्रोटॉन फर्निश करता है, फर्निश प्रोटॉन विच कैन नॉट, आपको पता है प्रोटॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हेंस कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। मतलब कि जो हम लोग का कोई भी कंपाउंड है उसे हम लोग जब जैसे HCl से हम लोग वाटर में डिजॉल्व करें या वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्या करेगा, वो एक प्रोटॉन के वो क्या करेगा, फर्निस प्रोटॉन बनाएगा, और वो इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता तो क्या करेगा, वाटर में जो H2O के मॉलिक्यूल थे उसके साथ एक्ट रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। देखिए एसिड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन फर्निस प्रोटॉन which can not exist independently has combined with water molecule to form hydronium ion। अब देखिए मैं आपको कुछ मतलब रिएक्शन बताता हूँ। जैसे देखिए HNO3 है, ओके गाइस, प्लस H2O वाटर में डिजॉल्व किया तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोनियम आयन देगा और नाइट्रेट का आयन देगा। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस H2O मतलब वाटर को अगर हम लोग आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये एक प्रोटॉन फर्निश करेगा प्लस प्रोटॉन, तो वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और नाइट्रेट मिलेगा हमें। अब दूसरा एग्जांपल देखिए तो H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस, अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को किसमें डालें, देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था H2SO4 का, अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर में डिजॉल्व करें तो वो क्या करेगा, H3O मतलब कि H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट का आयन हमें मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस प्रोटॉन फर्निश करेगा और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा। ओके गाइस, तो ये था हम लोग आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो गाइस मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, ओके, आपको जो एसिड है उसकी दो रिएक्शन, मतलब कि वो कैसे हाइड्रोनियम आयन बनाता है वो दो रिएक्शन और आपको लिखनी है। ओके गाइस, तो ये था हम लोग का आज का वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।